ठीक, आप समझ थोड़ा, ठीक है, हमको किसकी गणना करनी है? मुद्रा स्फीति यानी महंगाई, बस इतना ही समझ रहे हैं? महंगाई हमको किसकी गणना करनी है? तो भाई महंगाई की गणना करें। मुद्रा, हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको मुद्रा स्फीति बोलते रहे मगर एक्चुअली में महंगाई है। तो थोक मूल सूचकांक क्या होता है? देखो, अगर थोक मूल, थोक मतलब होता है थोक में खरीदना, तो थोक में अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो वो तो सीधा सी बात है खुदरा में भी महंगी हो जाएंगी, है कि नहीं? जैसे वही एग्जांपल, जैसे कुर्सी लेना है तो आप कुर्सी के मान लो दुकान में बेचते हो, ठीक है, और होलसेल से लेकर आते हो जहाँ से बनता है। तो कुर्सी अगर आपको होलसेल में महंगी पड़ेगी तो आप महंगा बेचोगे ना। तो क्या करती है जो डेटा निकाले, CSO जो है ना, बताया था ना आपको, CSO है ना, CSO क्या होता फुल फॉर्म, हाँ CSO जी, स्टैटिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये गणना कैसे करती है? देखो, सबसे पहले इस ऑफिसर लोग कहाँ जाएंगे? तो मंडी में जाएंगे, या जहाँ होलसेल मार्केट लगता है वहाँ जाएंगे, जहाँ पर फैक्ट्री से होलसेल में बिकता है, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके पूछेंगे, ठीक है, क्या रेट दे रहे हो यार, कितना दे रहे हो। फिर एक महीने बाद फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे, तो पता चलेगा ना रेट का डिफरेंस। एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये पहुँच गए कहाँ पर, आलू, आलू आलू मंडी, कहाँ मतलब पहुँच गए, तो पहले मैंने पूछे तो बोले कि यार 100 रुपये पसेरी आ रहा है, पसेरी तो सुन जानते ही, मान लो ऐसा समझो कि 100 किलो जो है कितने में आ रहा है, 500 रुपये में आ रहा है, कितने में आ रहा है, 500 रुपये में, 5 रुपये किलो हुआ थोक में ना। अगले महीने गए, अगले महीने जाने के बाद इन्होंने पूछा कि क्या क्या रेट चल रहा है यार, तो बोल रहा है यार कि 200 रुपये, अच्छा 200 किलो कितने में, 1000 में आ रहा है, कितने में आ रहा है, समझ गए कि पिछले महीने 500 में आ रहा था, अभी कितने में आ रहा है, 1000 में आ रहा है, ठीक है, 100 ही किलो आ रहा है, 100 किलो। तो याद रखना, अभी महंगा हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन निकाले ना, तो ये इससे पता चला कि महंगाई बढ़ी है। अगर महंगा हुआ ना तो लोग बता देंगे मुद्रास्फीति बढ़ गई है ना, महंगाई आ गई। इसको थोक मूल्य को पढ़ पढ़ के आंकड़े जुटाकर कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें केवल और केवल क्या होगा, तो केवल और केवल वस्तुएं ही होंगी। कौन का होगा? वस्तु, क्योंकि थोक मूल्य तो वस्तुओं का होता है ना, सेवाओं का थोड़ा, तो सॉरी, थोक मूल्य किसका होता है? वस्तुओं का होता है, सेवाओं का थोड़ा थोक होता है। इसमें केवल और केवल किसका होता है? तो वस्तुओं का ही गणना किया जाता है। जैसे वस्तुएं समझ रहे हैं ना, सेवाएं और वस्तुएं, सेवाएं मतलब, हाँ जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं, ये सेवा है, तो सेवा को आप थोक में कैसे कैलकुलेट करोगे? सब एक साथ थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोक मतलब थोक है ना। तो होलसेल जो है वो किसका किसका होगा? ओनली वस्तुओं का होगा। वस्तुओं का रेट बढ़ेगा होलसेल में, उसका कैलकुलेशन करेंगे कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, उतना परसेंट बोल देंगे मुद्रास्फीति आ गई, है ना। तो ये थोड़ा सा पहले सरकार जो है इसी आधार पर करती थी, मंडियों में जाकर वस्तुओं का थोक मूल्य समझ के देखती थी और पता चलता था कि यार यार ये तो सही नहीं है, क्योंकि इससे सेवाएं तो पता चल नहीं रही, सेवाएं भी तो महंगी हो रही है ना। पहले कितनी कम फीस हुआ करती थी, अभी फीस ज़्यादा हो रही कि नहीं, हो गई, हो गई ना। पहले कितना सस्ता होता था एजुकेशन, अब देखते हो स्कूल में कितना महंगा हो गया, हो गया ना। तो सेवाएं कैलकुलेट नहीं होने के कारण जो सरकार है इस सूचकांक का प्रयोग नहीं करती है। किसका प्रयोग करती है? तो उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी उपभोक्ता को क्या रेट पड़ रहा है, ठीक है, उस रेट को कैलकुलेट करती है। थोक में सिर्फ वस्तुएं ही पता चलती थी, उपभोक्ता में वस्तु और सेवा दोनों पता चल जाता है। उपभोक्ता क्योंकि दोनों का करता है, सर्विस लेता है, आलू भी खरीदेगा, पढ़ाई भी करेगा, तो उपभोक्ता को क्या पड़ा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसीलिए जो हमारा RBI है, किसको लेकर चलता है? इसको इस डेटा को लेता है। ये भी डेटा आता है, ये भी डेटा आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, ये डेटा आता है, ये भी डेटा, ये भी डेटा आता है, मगर डेटा किसको लेता है? तो RBI इसको लेता है कि ये ज़्यादा सही है, ठीक है, ओके। तो ये आपका तीन तरह से औद्योगिक, मतलब उद्योग में क्या रेट में चल रहा है, ठीक है। उद्योग में जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल कंपनी क्या है, पहले 10 में आता था, अभी 20 में आ रहा, तो कितना बढ़ा, क्या हुआ, तो उद्योग में क्या चल रहा है। तो तीन आधार पर हम लोग गणना करते हैं, ठीक है, चलो। इसके बाद ना अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, हाँ हाँ कितनी है, 5.7%, हर 2 महीने में चेंज होता है। वर्तमान कब की बता रहे हो? 27 जून का रिपोर्ट, हाँ हाँ अगस्त, नहीं अगस्त बहुत लेट हो गया, हाँ अभी का बताओ, 5.7, ठीक है, कोई उतना नहीं है, ठीक। मंदी देखिए, मंदी बताऊंगा वैसे,
मंदी देखिए, रिसेशन क्या होता है, देखिए वस्तु और आपको जी पढ़े होगे क्या कल क्लास की, नहीं 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 किए पार होगा फिर ये ठीक। और चलो ये यहां समझ लेना, कोशिश करना समझ में आ जाए ठीक है, इतना ही समझना, उसके बाद पढ़ोगे जिससे उल्टा कर देना, मुद्रास्फीति बन जाएगा ठीक है। अगर मार्केट में